हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट, इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 10 का सेक्शन बी क्लास 12th के लिए अग्रवाल पब्लिकेशंस के अनसॉल्व चल रहे हैं। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस क्लास को। तो आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 words। तो आपको क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल राइट करना है। तो यहाँ पर ओमेन, उसके नीचे टॉपिक्स भी दिए गए हैं। टॉपिक हैं जैसे कि वोमेंस एजुकेशन है, प्रॉब्लम ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री। तो इस पर आज हम मतलब प्रॉब्लम ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इस पे हम आज आपको बताने वाले हैं कैसे राइट करते हैं हम आर्टिकल। तो सबसे पहले टाइटल देना है आपको, टाइटल के बाद में अपना नेम राइट करना है, उसके बाद में लिखना प्रारंभ करना है। तो आपको पैराग्राफ बनाते रहना है 4 या 5 लाइन के बाद में, जिससे कि आपकी राइटिंग्स बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर हम चलिए स्टडी करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वेन देयर आर अनफेयर राइट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, इट डिफर्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर रोल्स विच अल्टीमेटली लीड्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट इन लाइफ। देयर आर मैनी कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, द फर्स्ट वन हैज टू बी इलिटरेसी। वेन पीपल डू नॉट एजुकेट देमसेल्फ दे कैन कंटिन्यू टू लिव इन द ओल्ड टाइम्स, दस दे फॉलो द ओल्ड एज सेक्सिस्ट ट्रेडिशन एंड नॉर्मस। एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दिस माइंडसेट बिकॉज एजुकेटेड पीपल विल लेस लाइकली पार्टेक इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फर्दर पॉवर्टी इज ऑल्सो अनदर रीजन विच इज इंटरलिंक्ड इन अ वे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल। इट डज नॉट जस्ट इम्पैक्ट अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट एवरी पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्पैक्ट्स चिल्ड्रन एज दे फॉल प्रे टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम अ यंग एज। फर्दर इट इम्पैक्ट्स यंग पीपल बिकॉज इट इम्पैक्ट्स देयर बिहेवियर स्टडी चॉइस एम्बिशन एटीट्यूड्स एंड मोर। दस मैनी गर्ल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनी स्पोर्ट एंड वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल वायलेंस मोर देन मेन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी चेक्ड एट एवरी स्टेज सो दैट नो पर्सन शुड बी डिनाइड अ चांस टू लर्न एंड ग्रो। दस एवरी वन नो मैटर मेल और फीमेल मस्ट गेट अ स्टार्ट इन लाइफ इन टर्म ऑफ एजुकेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। वी मस्ट कम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू डू दिस। चलिए इसकी दोस्तों हिंदी देखते हैं। लैंगिक भेदभाव तब होता है जब पुरुष और महिला के बीच अनुचित अधिकार होते हैं। यह उनकी लिंग भूमिकाओं के कारण भिन्न होता है जो अंततः जीवन में असमान व्यवहार की ओर ले जाता है। लैंगिक भेदभाव के कई कारण हैं। सबसे पहले निरक्षरता होनी चाहिए। जब लोग खुद को शिक्षित नहीं करते हैं तो वे पुराने समय में रहते हैं। इस प्रकार वे पुराने जमाने के सेक्सिस्ट परंपराओं और मानदंडों का पालन करते हैं। शिक्षा इस मानसिकता में बदलाव ला सकती है क्योंकि शिक्षित लोग लैंगिक भेदभाव में कम भाग लेंगे। इसके अलावा गरीबी भी एक कारण है जो एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। लैंगिक भेदभाव का समग्र रूप से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल समाज के एक विशिष्ट वर्ग को बल्कि उसके हर हिस्से को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह बच्चों को प्रभावित करता है क्योंकि वे कम उम्र से ही लैंगिक रूढ़ियों
के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा यह युवा लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि यह उनके व्यवहार, अध्ययन विकल्पों, महत्वाकांक्षाओं, दृष्टिकोण और बहुत कुछ को प्रभावित करता है। इस प्रकार कई लड़कियां कई खेलों में भाग नहीं लेती हैं और महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक शारीरिक हिंसा का अनुभव होता है। हर स्तर पर लैंगिक भेदभाव की जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को सीखने और बढ़ने के अवसर से वंचित ना किया जाए। इस प्रकार हर कोई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, को शिक्षित और अन्य अवसरों के मामले में जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें ऐसा करने के लिए एक समाज के रूप में एक साथ आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो यहाँ पर सी नंबर टॉपिक दिया गया, इस पर मैं नहीं करवा रहा हूँ। अब आपको पॉलिटिशियंस पर एक आपको कंप्लेन लेटर राइट करने को बता रहा हूँ, जो कि आप अपने लोकल एरिया के जो न्यूज़पेपर हैं उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनके एडिटर को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे कि डीजे हो गया, नॉइस पोल्यूशंस, नेबरहुड फ्लैट्स, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एड्रेस राइट करना है, M12 माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। डेट जो भी है मैंने राइट कर रखी है, तो यहाँ पर 31 जुलाई है, तो यहाँ पर 22 कर लेंगे, 20 28 22 कर लेना है आपको। द टाइम्स ऑफ इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश सर। उसके बाद में थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू अट्रैक्ट हेड ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन इन आवर लोकेलिटी एज वेल एज इन द इंटायर सिटी। द सिटी हैज़ ऑलरेडी बीन डीलिंग विद द अनकंट्रोलेबल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एंड एडिशन टू दैट नॉइज पॉल्यूशन इज ऑल्सो पविंग इट्स वे इन इट्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज द हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ द पीपल स्पेशली हु आर ओल्ड एंड द सिक। इट इज कॉज अ ग्रेट इरिटेशन एंड देयर इज अ लैक ऑफ पीस। द नॉइज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल वर्क आर ऑलरेडी देयर टू स्प्रीड नॉइज। इन एडिशन टू डैट द कॉमन पीपल कंट्रीब्यूट टू द पॉल्यूशन। मैरिज प्रोसेशन विद द साउंड प्रोड्यूसिंग फायर क्रैकर डीजेस इन द वेडिंग रिसेप्शन, लाउड म्यूजिक फॉर्म नेबरहुड, ऑल दीज अननेसेसरी दीज इंक्रीज द लेवल ऑफ पॉल्यूशन एंड द हाईली अननेसेसरी नॉइस कंट्रोल लॉस आर वायलेटेड विद नो सेंस ऑफ फियर और मोरालिटी। इफ दिस रिमेन अनचेक्ड पीपल विल डेवलप हेयरिंग प्रॉब्लम्स। इवन द स्टूडेंट्स हु आर इन द क्रूशल पार्ट ऑफ लाइफ इन मेकिंग देयर फ्यूचर गेट इरिटेट एज द नॉइस रॉब्स देम और देयर कंसंट्रेट। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट द कंसर्नड अथॉरिटीज पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन। थैंक यू सिंसियरली करण एंड कुंती। लाइक दैट यू कैन राइट अ कंप्लेन लेटर्स। आई होप दिस क्लास यू विल बी लाइक एंड शेयर दिस क्लासेस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।